किसी भी चीज की हद होती है, लेकिन मेरे दुखों का तो कोई सीमा ही नहीं है। आखिर तू चाहता क्या है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि चैन से एक जगह बैठ के अपनी मौत का इंतजार भी ना कर सकूं? ठीक है, अगर तू ये चाहता है कि मैं अपनी मौत तक बैठूं नहीं, तो मैं अपनी मौत तक चलती रहूंगी। चाहता क्या है मुझसे? मैं वो बदनसीब हूँ जिसको अपने घर वालों ने भी त्याग दिया है। कुछ नहीं है मेरे पास। साई, 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 देखिए ना, हमने लोगों को बहुत मना किया, लेकिन फिर भी सबने जबरदस्ती पैसे दे दिए। साई, इतने पैसों का हम करेंगे क्या? ये पैसे तुम बच्चों की पहली कमाई है, और जिस कला से तुमने ये पैसे कमाए हैं, तुम्हें वो कला सिखाने वाला वहां बैठा है, तुम्हारा गुरु। इन पैसों से तुम्हें सबसे पहले अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। मामा जी, आपकी दिव्य शिक्षा से ये मुमकिन हुआ, इसलिए हमारी ओर से गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। नहीं, मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं सिखाया कि तुम लोग मुझे गुरु कहो। हर कला महत्वपूर्ण होती है सहदेव, और तुमने तो इन्हें सुंदर आकार आकृति वाली वस्तुएं बनाना सिखाया है, वो भी उन चीजों से जिन्हें पूरा समाज कूड़ा कहता है, रद्दी कहता है, बेकार कहता है। जब हमारे घरों में कोई चीज पुरानी हो जाती है तो क्या करते हैं? उसे कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, जैसा श्यामा करने वाला था। पिछले साल की कंदील को फेंकने वाला था वो, लेकिन तुमने उसे जोड़कर फिर से सजाकर काम करने योग्य बना दिया। तुमने अपने तरीके से इन्हें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। आज तक किसी ने कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं की, ना मुझे इतना मान दिया। ये तुम बच्चों की पहली कमाई है, इसीलिए हम ये पैसे तुम दोनों बच्चों में बांटेंगे। ये लो उद्धव, ये लो परी। क्या है मुझसे? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? परी, ये तो वही है। काकी? कौन? काकी, मैं झिपरी। मैंने कल आपसे आपके सारे दिए खरीदे थे, लेकिन मैं तुझसे वो दिए वापस नहीं ले सकती, क्योंकि तूने जो पैसे दिए थे ना, वो मैंने खर्च कर दिए। नहीं काकी, मैं आपको दिए नहीं लौटा रही हूँ, पर आप मुझे एक बात बताइए, आप वापस अपने घर क्यों नहीं गई? घर वापस जाने के लिए घर भी तो होना चाहिए। काकी, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई। ये द्वारका माई, साई की द्वारका माई, यहाँ सबको शरण मिलती है। आराम से आइए। आइए माँ जी, संभाल के। लाइए, मुझे दीजिए।
आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। और अगर मैं ना रहना चाहूँ तो, ना जीना चाहूँ तो, क्या मैं यहाँ मर सकती हूँ? काकी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अचानक मेरे आँखों की रोशनी चली गई। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। गुजर बसर मुश्किल हो गया। मैंने मिट्टी के दिए बनाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन वो इतने बेढंगे थे कि किसी ने नहीं खरीदे। इस बच्ची ने मेरे दिए खरीदे। मुझे जो पैसे मिले उससे खाना खरीद कर खाकर आराम कर रही थी, तो लोगों ने भगा दिया। मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं जीना चाहिए। साईं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप लोगों की मदद करते हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मुझे यहाँ एक ऐसा कोना दे दीजिए जहाँ मैं चैन से मर सकूँ। मैंने अब सोच लिया है, मैं अब सिर्फ ये गंगा जल पीऊंगी। आज की रात मेरी इच्छा पूरी होगी। आप जो चाहती हैं आपको मिलेगा। इस द्वारका माई में आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, जरूर। अरे तुम लोग खड़े हुए इंतजार क्या कर रहे हो? शाम होते ही लोग द्वारका माई में दिवाली मनाने के लिए आने लगेंगे। अभी बहुत काम बचा है, चलो अपने काम पर लग जाओ। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप रूई की बाती बनाने में मेरी मदद करेंगी? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं तो अंधी हूँ। लाइए, बाती बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। मैं सिखाता हूँ आपको। हाथ पर रुई को ऐसे रखिए और धीरे से उस पर हाथ फेरिए, ऐसे। ये देखिए, बन गई बाती। मैं कर सकती हूँ साईं। हाँ। ताकि आज दिवाली है, आज सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप यहाँ आई है तो आप भी तैयार हो जाइए, मैं आपको अपनी आई की साड़ी दूंगी पहनने के लिए। मुझे तो बस मरना है, मैं किस लिए तैयार हूँ? माजी रिवाज के मुताबिक अंत्येष्टि में भी साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, तो अभी ही पहन लीजिए। ठीक है, अगर साफ सुथरे कपड़ों में अंत्येष्टि होनी है तो मैं खुद ही पहन लूंगी। चिपरी, साई ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। खाने की भीनू खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है इस बार की दिवाली कुछ खास ही होने वाली है। ठीक कहा जी, ये दिवाली खास होगी। आज रात के बाद किसी के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। सब दिए तो लगभग तैयार हो चुके हैं साईं, लेकिन हम इन्हें द्वारका माई में क्यों नहीं रख रहे हैं? सही वक्त का इंतजार है। सबूरी राणु जी। साईं, सारे व्यंजन तैयार है। पंचामृत के लिए मैंने घी, दूध, दही और शहद भी मिला दिए, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है। मुझे यकीन है वो भी आ जाएगी, कोई ना कोई अपने साथ लेकर आएगा। साईं, साई, मैंने पता लगा लिया, इनका नाम रोहिणी देवी है।
काकी, आप तो साफ साड़ी पहनकर आने वाली थी, लेकिन आप तो नई और सुंदर साड़ी पहनकर आई हैं। जच रही है आप पे। तुम्हें मुझे तब देखना चाहिए था जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने बालों का जूड़ा बनाती, मेरे पति मेरे लिए गजरा लेकर आते, और जब मैं वो गजरा लगाती ना, तो उनकी नजरें मुझसे हटती ही नहीं थी। तो आज हम भी देखना चाहेंगे। ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि आपके बालों में गजरा कैसा लग रहा है। वाकई काका बिल्कुल सही कहते थे, आप बहुत सुंदर लग रही गजरा लगाकर। आइए माँ जी, अभी बहुत काम बाकी है, आप मेरी मदद करेंगी ना? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपके हाथ में दिए देता जाऊंगा, और मैं जहां जहां कहूंगा आप उन्हें वहां वहां रखती जाइएगा। मैं कैसे दिए लगा सकती हूँ? अगर मुझसे जरा भी गलती हो गई तो तुम्हारी ये द्वारका माई जलकर खाक हो जाएगी। मैं हूँ ना माई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कैसे जाना है, क्या कैसे करना है, और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा, तो बदले में इतना तो मांग ही सकता हूँ। सुकून से मरने के लिए भी काम करना पड़ता है, क्या जमाना आ गया। ठीक है, अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है चंपा, आइए आप रुकिए। ये लीजिए। दो कदम आगे बढ़कर द्वार कमाई की सीढ़ी पर दाएं और बाएं रख दीजिए इसे। अब बाईं ओर। साई, उनसे ही दिए क्यों रखवा रहे हैं? उस बेचारी औरत से ऐसा क्यों करा रहे हैं? माँ जी, बच्चों ने सामने जमीन पर रंगोली बनाई है, और ये दिया आपको उस रंगोली के बीचों बीच रखना है। पांच कदम सीधे चलिए। रुकिए, तब एक कदम बाएं। दो कदम सीधे। रुक जाइए। अब नीचे बैठकर रख दीजिए दिया। इसी बात पे एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक चींटी के लिए हाथी का रिश्ता आया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत बाहर थे, इसलिए। आजी, आप पहली इंसान है जो मेरे चुटकुले पर हंसी।
साई साई और दिए दीजिए ना, बताइए मुझे कहाँ लगाने। वो आखिरी दिया था माई, सारी द्वारका माई में दिए आपने ही लगाए हैं। पूरी द्वारका माई को दियों से सजा दिया है आपने। क्या सारे दिए मैंने लगाए, द्वारका माई को मैंने जगमगाया है? हाँ काकी आपने। कौन कहता है कि आप काम नहीं कर सकती? अगर आज आप देख पाती तो आप देखती कि आपने कितना काम किया है। आइए माँ जी। साई, मैंने खुद को बेकार महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार नहीं हूं। साई, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहां रहकर जीना चाहती हूं। मैंने आपसे कहा था ना, आप जो चाहेंगी वो मिलेगा आपको द्वारका माई में। साई, मैंने जीवन के सार को जान लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या इसके अलावा दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहती हो? एक बात मैं भूल गई साईं, जब आप रहता आए थे तब भी मैं आपसे नहीं मिली थी। मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, तब से मैं चाहती थी कि मैं एक बार आपसे जरूर मिलूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मैं आपको मिली भी तो अंधी होने के बाद। साई, मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि कम से कम एक बार मैं आपको देख सकूं। क्या आप एक अंतिम बार मेरी मदद करेंगी? जरूर साई। अभी जो अंतिम दिया आपने रंगोली पर रखा था, क्या आप उसे मेरे लिए उठाकर ला सकती हैं? वहां तक जाने का रास्ता मैंने बताया था आपको, बस उसे याद करिए और ले आइए दिया। रुको लक्ष्मी, उन्हें खुद से करने दो। तब एक कदम बाएं। दो कदम सीधे। आप पहुंच गई हैं माँ जी, तब नीचे बैठिए और दिया उठा लीजिए। ये महसूस करने के लिए कि दिया कहाँ है, दिए की लौ की गर्मी को अपने हाथ से महसूस करिए। जब जीवन में दुख का न्यारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। कर लिया साई। बिल्कुल माँ जी,
क्यों नहीं देख लेती? मैं कैसे देख सकती हूँ साई? मैं तो अंधी हूँ। ज्ञान तिमिर से घिरा भयं